तो देखिए जो स्नेक जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन वुल्फ स्नेक, और अधिकतर जो है करेत के जैसे दिखने वाला सांप है, ये बिल्कुल जहरीला नहीं रहता। लोग डरते हैं कि सांपों के बारे में नहीं दिखाएंगे। तो देखिए ये जो स्नेक है इसको कहते हैं कॉमन वुल्फ, ये बड़ा तेज काटता है मगर बिल्कुल जहरीला नहीं रहता, लोग डरते हैं कि ये जहरीला है। देखिए ये दिखने में आपको पूरा करेज जैसा लगता होगा मगर ये बिल्कुल नॉर्मल सांप है, और इसके अंदर कोई वैनम नहीं होता। लोग डर जाते हैं कि भाई सांप है तो डरना जरूरी है, मगर ये जो हमारा पर्यावरण है, जो इकोसिस्टम है, अगर इसमें चिड़िया कबूतर और ये कीड़े मकोड़े ना रहे तो क्या कैसा लगेगा, एकदम सुनसान सा हो जाएगा। तो हम सबको समझना चाहिए कैसे काट रहा है, बहुत तेज काट रहा है, और देखिए इसके काटने से हमको इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि ये आप क्यों पकड़वा रहे हैं आप? तो देखिए इन्फेक्शन हो सकता है ना। और कॉर्ड नंबर कितना है? 161 161। तो नहीं ना फेंक देखो। तो देखिए ना बिल्कुल नॉर्मल सांप है, इसको कॉमन वुल्फ स्नेक कहते हैं, बिल्कुल जहरीला नहीं। तो आप देखिए, आप लोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप मारते नहीं है। देखिए डंडा दिखाओ तो तो देखिए डंडा वंडा ये सब का डंडा भी है कि अगर इसको मारना चाहते बिल्कुल नॉर्मल है तुरंत। हाँ तो मेरा यही है मेन मोटिव, मेरा यही था कि लोग जागरूक हों कि हर सांप जहरीला नहीं होता है, हम लोग को बचाना है क्योंकि पर्यावरण इनसे बना है, बल्कि हमसे नहीं बना है, हम इससे बने हुए हैं, इसलिए इसको सेव करना है। ठीक है भाई, थैंक यू। देखिए अभी जो हम लोग ने स्नेक पकड़ा है सब कॉलोनी में, ये हमारा कॉमन वुल्फ स्नेक है, बिल्कुल जहरीला नहीं रहता है। लोग इससे डर जाते हैं कि सांप जहरीला, तो ये बिल्कुल जहरीला, ये छिपकली उपली खाने के चक्कर में आ जाता है और ये बिल्कुल इसमें कोई जहर नहीं है। और हमारे घर के आसपास छिपकली हो चाहे मेढक हो, उनको खाने के लिए आता। देखिए नहीं छोड़ दिया यार।